ये देखिए एकदम जूसी, एक साइड में स्टॉप नहीं हुआ जैसे कि मैं आपको बताया। चिकन को मैं कीमा कर रहा हूँ, इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, इससे क्या होता है ये मीट बाहर नहीं आता है, सिर्फ पानी है, पानी की वजह से बाहर नहीं आता है। ये देखिए अच्छे से कीमा हो गया। कीमा करते हैं नाइस शेप में। ये प्याज रख दिया है और इसके ऊपर में कोरिएंडर लीफ डाल रहा हूँ मैं। अभी इसके ऊपर हम चिकन कीमा डालेंगे। तो अभी मैंने इसके ऊपर चिकन कीमा रख दिया है, अभी इसके ऊपर हम अदरक को ग्रेट करेंगे। ये अदरक को मैंने ग्रेट कर दिया है, तो ये अदरक मैंने ग्रेट कर दिया है। अप्रोक्सीमेटली इसमें मैंने 10 ग्राम अदरक डाला है। अभी इसके ऊपर सॉल्ट टू टेस्ट नमक डाल रहा हूँ मैं। इसमें अभी हम लोग मोनोसोडियम अजीनामोटो डाल रहे हैं। अभी इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे लोग, लेकिन यहाँ पे डालडा डालते हैं, लेकिन डालडा की वजह से ज़्यादा गैस हो जाता है, गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं यहाँ पे रिफाइंड तेल डाल रहा हूँ। तो इसको हमने तेल डाल दिया, तो अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है। नॉर्मली हम लोग वेज मोमो बनाते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से जूसी रहता है, लेकिन ये चिकन मोमो जब हम लोग बनाते हैं तो वो टाइम पे जब ब्रेक करते हैं बीच में, तो एक तरफ वे बहुत ड्राई रहता है चिकन का, वो एक साइड में स्टॉप रह जाता है, तो बहुत वो ड्राइनेस हो जाता है। इसका मेन इन्ग्रीडियंट आप लोगों का ये देखिए। अब यहाँ पर हम लोग पानी ऐड करेंगे, तो ये पानी से क्या रहता है, इसमें जूसी हो जाता है। तो हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है थोड़ा सा, तो अभी इसको अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हमारा कीमा रेडी हो गया है। अभी ये मैदे का डो बना के मैंने ढक के रख दिया था 5 मिनट के लिए, तो अभी ये रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो अभी हम लोग स्पाइसी चटनी बनाते हैं मोमो के लिए। तो अभी हम इसमें सेजमे सीड रोस्ट कर रहे हैं। तो अभी ये मैंने तेल गरम कर दिया है ऑलरेडी, तो इसके ऊपर मैं ड्राई चिली डाल रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लेता हूँ। तो अभी ये रोस्ट हो गया है रेड चिली। तो अभी मैं ये और सेजमे सीड को मिक्सी में ग्राइंड कर देता हूँ। तो ये मैंने मिक्सर ग्राइंडर से निकाल दिया है, तो ये रेडी हो गया। इसमें मैंने कोरिएंडर लीफ भी डाल दिया और सॉल्ट भी डाल दिया। तो अभी ये स्पाइसी अचार रेडी हो गया मोमो के लिए। वो मैदे का डोको मैं छोटा छोटा सा पीस करके ऐसे रख रहा हूँ मैं, एक ही साइज़ का मैंने छोटा छोटा पीस कर दिया है। तो इसको मैं रोटी बनाता हूँ छोटा छोटा साइज मोमो के लिए, बस इतना इतना पीस करेंगे। ये देखिए इसे मैं बेल लेता हूँ। तो स्टीमर में मैंने ऑयल लगा दिया है, तो अभी इसको रेडी करते हैं। ये देखिए इसको स्टॉप बहुत अच्छे से कर देते हैं, इस साइड से लोग करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं हम लोग ऐसे थोड़ा सा स्पेस देके रख रहे हैं। तो अभी मैं पूरा भर के आपको दिखाऊंगा। तो अभी ये हमारा एक सेट रेडी हो गया है। तो अभी पूरा 3 सेट ही बनाएंगे, उसके बाद कुक होने के बाद ही आप लोगों को दिखाएंगे। करते हैं, 15 मिनट हो गया, रेडी हो गया है। अभी ये देखिए अंदर का, ये देखिए एकदम जूसी, एक साइड में स्टॉप नहीं हुआ जैसे कि मैं आपको बताया, एकदम जूसी रहता है। तो अभी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है।
हम्म,